देखिए, माइनिंग का मतलब होता है खुदाई करना। हम जब भी मिनरल रिसोर्सेज को अर्थ के अंदर से निकाल करके बाहर लाते हैं, और बाहर लाने के बाद हम उनको अपने यूज में लाते हैं, तो मिनरल को अर्थ के अंदर से बाहर निकालने के लिए हम जिस मेथड का यूज करते हैं, उस मेथड को माइनिंग कहा जाता है। हमारी बुक के अकॉर्डिंग क्या लिखता है इसके ऊपर, इट रेफर्स टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज फ्रॉम द अर्थ। अर्थ के अंदर से मिनरल रिसोर्सेज को बाहर निकालने का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को माइनिंग कहा जाता है। आसान भाषा में अर्थ की खुदाई करने को ही माइनिंग कहा जाता है। आगे लिखता है, इट्स डेवलपमेंट बिगेन विद द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। देखो, वेस्टर्न यूरोप के अंदर जब औद्योगिक क्रांति आई थी, जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आई थी, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के आने के बाद माइनिंग प्रैक्टिसेस को स्टार्ट किया गया था। उससे पहले इतनी लार्ज स्केल और इतनी टेक्निकल माइनिंग नहीं हुआ करती थी, बट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आने के बाद ये काम बड़े स्केल पर, लार्ज स्केल पर शुरू हो गया था। आगे इसमें सबटाइटल है, फैक्टर्स अफेक्टिंग माइनिंग एक्टिविटी। जो फर्स्ट कैटेगरी है फैक्टर्स की, दैट इज फिजिकल फैक्टर्स। इसमें लिखता है, फिजिकल फैक्टर्स रिलेटेड टू साइज, ग्रेड एंड मोड ऑफ ऑकरेंस ऑफ द डिपॉजिट्स। देखिए, किसी जगह पर अगर मिनरल डिपॉजिट हैं, तो उनको बाहर निकालना है या नहीं निकालना है, ये चीज दो तरह के फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो पहली कैटेगरी में जो फैक्टर आते हैं, वो आते हैं फिजिकल फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स के अंदर क्या क्या चीज चेक की जाती है, साइज, कि जो मिनरल हमने आइडेंटिफाई किया है उसका साइज कितना है, कितने टन वहां पर सोना भरा हुआ है, कितने टन वहां पर कॉपर पड़ा हुआ है, यानी जो हमने रिसोर्स वहां पर लोकेट किया है उसका साइज कितना है। दूसरी बात, उसका ग्रेड क्या है, किस क्वालिटी का वो रिसोर्स है वहां पर जिसको हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और लास्ट नंबर पे है मोड ऑफ अकरेंस, कि वो जो पार्टिकुलर मिनरल है जिसको हम निकालने की प्लानिंग कर रहे हैं, वो किस मोड में वहां पर अवेलेबल है, यानी निकलने के बाद जब हम उसको निकाल करके, प्रोसेस करके अपने यूज में लाएंगे, तब तक उसकी वैल्यू, उसकी कॉस्ट इतनी ना बढ़ चुकी हो कि उसको कोई खरीद ही ना पाए, या फिर वो पब्लिक यूज में आ ही ना सके। तो इस तरह से तीन तरह की चीजों को चेक किया जाता है, उसका ग्रेड क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसका साइज क्या है, और उसका मोड ऑफ अकरेंस क्या है। तो ये तीन तरह की चीजें हम फिजिकल फैक्टर्स में चेक करते हैं। नंबर टू जो कैटेगरी आती है, दैट इज इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर में क्या चेक करते हैं, डिमांड फॉर मिनरल, कि जिस चीज को, जिस मिनरल को हम धरती में से निकालने की प्लानिंग कर रहे हैं, उसकी डिमांड कितनी है। जब हम उसको निकाल करके बाहर लाएंगे, तो पब्लिक उसको एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, उसकी डिमांड भी है या नहीं है। ऐसा तो नहीं कि जिस मिनरल को हम अंदर से बाहर निकाल रहे हैं उसकी जरूरत ही नहीं है किसी को, तो फिर हम निकाल करके उसको छोड़ेंगे कहां पर, हम क्यों उस पर पैसा खर्च करेंगे निकालने पर। पहली चीज। सेकेंड है टेक्नोलॉजी, कि मिनरल को निकालने में हमें किस टेक्निक का यूज करना है। हमारे पास जो सबसे चीपेस्ट टेक्निक अवेलेबल होगी, उसी टेक्निक का यूज किया जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। नेक्स्ट है कैपिटल टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, किसी भी जगह पर किसी भी मिनरल को निकालने के लिए बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ता है। वहां पर बिल्डिंग्स खड़ी की जाती हैं, वहां पर फार्म्स बनाए जाते हैं, मशीन्स को लगाया जाता है, रोड बनाई जाती हैं, रेलवे नेटवर्क वहां पर बिछाया जाता है, ताकि मिनरल को निकाल करके सक्सेसफुली आगे पीछे उसको ट्रांसपोर्ट किया जा सके। वो सारा एक्सपेंडिचर काउंट करने के बाद वो रिसोर्स हमारे लिए वैल्यूएबल है, प्रॉफिटेबल है या नहीं है, ये सब चीजें हम कहाँ पर चेक करते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स के अंदर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम किसी मिनरल को अर्थ से बाहर निकाल रहे हैं और निकालने में खर्चा आ गया हमारा 100 रुपये, और जब बेचने की बारी आ रही है तो हम उसको सिर्फ 50 रुपये का ही बेच पा रहे हैं। तो इस तरह से घाटे का सौदा नहीं किया जाता है। मिनरल्स को तभी बाहर निकाला जाता है जब वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो, हमारे लिए बेनिफिशियल हो। तो दो तरह के फैक्टर्स ये डिसाइड करते हैं कि मिनरल हमारे लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं है। पहला, उसका ग्रेड क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसका साइज क्या है, और सेकंड, उस पे जितना पैसा खर्च हो रहा है निकालने में, उतना उससे वापस आएगा या नहीं आएगा, उससे कुछ प्रॉफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये दो तरह के फैक्टर्स डिसाइड करते हैं माइनिंग एक्टिविटीज को। आने वाले टॉपिक में आपको समझाऊंगा मेथड्स ऑफ माइनिंग क्या होते हैं।